वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी पिछले कई दिनों तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे जो मिश्रित राग ने, जिन्हां नूं राग प्रकार भी कहिंदे ने, उन्हां दा कीर्तन आप जी सरवण कर रहे हो। सब तो पहला राग गौड़ी दे ही 11 प्रकार, गौड़ी गुआरे दी, गौड़ी दखनी, गौड़ी चेती, गौड़ी माझ, गौड़ी पूर्वी दीपकी, गौड़ी दीपकी, गौड़ी बरागण, गौड़ी मालवा। आज दा बड़ा प्यारा राग गौड़ी माला, बहुत ही खूबसूरत राग। सात संगत जी, राग तां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे सारे प्यारे ने। ये राग दा स्वरूप दास नूं भी बहुत प्यारा लगता है। इस राग दे पूर्वांग दे विच भैरवी अते उत्तरांग दे विच भैरव दी झलक मिलती है। दो रागां दा मिश्रण है, पर कुशल गायक ते वादक गुरु नानक साहब दे घर दे प्यारे कीर्तनीए ते तंती साज वजाण वाले बड़े संभल के इस राग दा गायन करदे ने, क्योंकि भैरवी तों वी बचाउणा ते भैरव तों वी बचाउणा। भैरव भी सवेर दा राग है, भैरवी भी सवेर दा राग है। कुछ विद्वान भैरवी नूं सर्वकालीन मानते हैं। सवेर दा राग होण दे बावजूद भी, क्योंकि गौड़ी विच इनकलूड होगी तो यह रात दा राग बन गया। इस राग प्रति विद्वानों के कई मतभेद ने। कई विद्वान ऋषभ कोमल नूं वादी मानते हैं तो धैवत कोमल नूं समाधी, तो कई विद्वान धैवत कोमल नूं वादी मानते हैं तो ऋषभ कोमल नूं समाधी मानते हैं। प्रिंसीपल शमशेर सिंह जी करीर, जिन्होंने गौड़ी राग सुलखणी के अंतर्गत बहुत ज़्यादा खोज की, दास भी उन्होंने बहुत फॉलो करता है। बहुत वड्डे विद्वान सिख कौम के होए ने, अज इस संसार विच नहीं। असीं उन्होंने याद करते हैं क्योंकि उन्होंने गुरमत संगीत के खेत्र विच बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा योगदान, खास करके प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज ते प्रैक्टिकल उन्होंने बड़ा स्ट्रोंग सी, रियाजी सी, साधक सी। उन्होंने इन रागों की बड़ी उत्तम खोज की है। साध संगत जी, गौड़ी माला का जिक्र किसी भी संगीत के ग्रंथों में सानू नहीं मिलता, केवल साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच गौड़ी माला राग अंकित किया। तो गुरु साहब भगत सारे प्रैक्टिकल सन, महाराज जी सानू वो दसते सन जो आप करते सन। प्रैक्टिकल जीवन करत साडा सुभा है, असं करते नहीं पर उपदेश करते हैं। पर गुरु साहब का एडा उच्चा सुचा जीवन, जे सानू उन्होंने रजा विच रहण दी तागीद की ते आप रजा विच रह के दिखाया। गुरु अर्जन देव महाराज जी तत्ती तवी ते बैठे, ये वड्याई गुरु कर दी, क्योंकि पीर मुरशद गुरु ये प्रैक्टिकल हुंदे ने। श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह दा धर्म प्रैक्टिकल धर्म है। इस करके आप जी बड़े प्यार नाल रागात्मक कीर्तन सरवण कर दिओ। गौड़ी माला बहुत खूबसूरत राग है। जे रागात्मक पहलू वल जाइए, इस राग दे विच ऋषभ कोमल, गंधार कोमल, मध्यम शुद्ध, धैवत कोमल ते निषाद शुद्ध लगते ने। भैरव ते भैरवी दा ये मिशन हो गया। पूर्वांग दे विच सारी भैरवी, उत्तरांग दे विच ये जाके साडा बन गया भैरव। उस्ताद लोग भैरवी नूं बचाउण लई जदों आरोह विच आंदे ने ते निषाद शुद्ध नूं नाल लै लैंदे ने, ऋषभ कोमल सरज दे नाल निषाद शुद्ध, ते जदों तार सप्तक नूं जांदे ने भैरव दा अंग आ गया, ते उपरले ऋषभ नूं लैके कोमल नूं नाल गंधार दा कण सुर लै लैंदे ने। गंधार कोमल जदों टच हो गया ते भैरव तो वखरा हो जांदा, थल्ले भैरवी तो वखरा हो जांदा। इस करके ये राग बहुत रियाज़ करके सुचेतता नाल इस राग नूं गायन दी लोड़ है। इस राग दा वादी सुर धैवत कोमल, संवादी सुर ऋषभ कोमल मनाया गया है। इस राग दा गायन समा रात दा प्रथम पहर मनाया गया है। इस राग दी जाति संपूर्ण संपूर्ण मनी गई है। आओ बड़े प्यार नाल इस राग दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पवित्र बाणी दा कीर्तन गुरु प्यारे गुरु सवारे कीर्तनिया पासों सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाह।
Yeah.
हर हर
Ha ha ha.
आ, 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 आ,